हा जो क्वेश्चन आहे ना, पहिल्या क्वेश्चन सारखाच आहे. फॅक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स. आता याचे फॅक्टर्स काढायचे आहेत मला. पहिल्या क्वेश्चनमध्ये जर तुम्ही पाहिलं, यामधला प्रॅक्टिस सेट 3.6 जो आपला सेकंड क्वेश्चन आहे, तर सेकंडमधला जो पहिला जो क्वेश्चन आहे, फर्स्ट नंबरचा जो क्वेश्चन आहे, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था हमारे पास, उस फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या था, यहाँ एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ भी एक्स माइनस फाइव चाहिए. लेकिन यहाँ 5x-25 है. लेकिन एक बात सोचो, आप ये दोनों में से क्या कर सकते हो, 5x को कॉमन निकाल सकते हो. तो यहाँ 5x को कॉमन निकालना है हमें. ओके, तो मैं क्या करूँगा, 5x को यहाँ कॉमन निकालूँगा. तो ये x माइनस फाइव अपने जगह पे रह गया, उसका स्क्वायर. अभी यहाँ 5x को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, ओके, तो ये निगेटिव साइन है. और 5 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, 5x नहीं, 5 को कॉमन निकालता हूँ, तो क्या होगा, ये 5 तो बाहर निकल गया, तो ये x बच गया. ओके, और ये माइनस 5 5 जा 25, तो 5 रह गया माइनस 24. अभी यह एक बात मैच नहीं हो रही. देखो, अगर मैं ये निगेटिव जो है, 5 जो है, ये जो निगेटिव साइन है यहाँ, अगर मैं निगेटिव 5 को 5 × x किया तो 5x हो जाएगा. और ये निगेटिव है इसलिए ये माइनस का प्लस भी हो सकता है, अगर ये 5 अंदर गया तो. ठीक है, कोई बात नहीं. लेकिन हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से x-5 टू टाइम है. अभी ये दो टाइम है, तो उसे मेरे को क्या करना है, कुछ तो कंसिडर करना है. जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, क्या देखा था पहले क्वेश्चन में, कि इसे और इसे हम क्या कर सकते हैं, ABCD कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं अल्फ़ाबेट में से अपने. ओके, तो इसे मैं A कंसिडर करता हूँ. ओके, तो यहाँ मैं क्या करूँगा बाबा, लेट A इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव. A के जगह पे मैं x माइनस फाइव लिखूँगा. ओके, तो A के जगह पे x माइनस फाइव लिखने के बाद, x माइनस फाइव के जगह पे A लिखने के बाद मेरे पास क्या होगा, ये जो x माइनस फाइव है उसके जगह पे A स्क्वायर माइनस ये 5 अपने जगह पे, और x माइनस फाइव के जगह पे भी A लिखूँगा, और ये निगेटिव 24 अपने जगह पे. अभी सीधा इसका फैक्टर्स निकालना है, बाकी कुछ बड़ा काम नहीं करना. अभी यहाँ 24 है, तो मैं 24 के फैक्टर्स निकालूँगा. क्या क्या आते हैं देखो, 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, और 8 3 जा 24. तो इतने सारे फैक्टर्स मेरे पास आते हैं. अभी इसके बाद क्या करना है मुझे, कि इसमें से किसको चुनूँगा मैं, जिसका सब्सट्रैक्शन 24 में से पहले माइनस साइन आता है, तो जिसका सब्सट्रैक्शन 5 आएगा, ऐसा नंबर में चुनूँगा. अभी देखो, 8 में से 3 जाने के बाद 5 आता है, तो मैं 8A और 3A ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा. तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास निगेटिव 5A है उसके जगह पे 8A और 3A को लिखना है. अभी किसको कौन सा साइन देना है, 8 को कौन सा साइन देना है और 3 को कौन सा साइन देना. देखो, दोनों का सब्सट्रैक्शन होने वाला है, इसका मतलब एक को प्लस और एक को माइनस साइन देना है. अभी जो बड़ा नंबर मेरे पास 8A है, उसको मैं 5A के पहले माइनस साइन है तो इसको माइनस दूंगा, और जो छोटा नंबर मेरे पास बचा है उसको मैं प्लस साइन दूंगा. ओके, तो अभी लिखूंगा मैं यहाँ ए स्क्वायर अपने जगह पे, निगेटिव 5A के जगह पे निगेटिव 8A, और ये प्लस 3A और माइनस 24. अभी ये दो देखो, ये दोनों में से A को कॉमन निकालूंगा मैं. A अगर कॉमन है तो ए स्क्वायर में से A लिखा. ओके, माइनस 8A में से 8 बाहर, तो ओनली 8 रह गया. प्लस 3 और 24 8 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 को कॉमन निकाला, 3A में से 3 बाहर, ओनली A रह गया. माइनस 3 8 जा 24, इसलिए 8. तो अभी क्या हुआ, a-8 a-8 टू टाइम है, तो उसे हम a-8 को एक ही टाइम लिखते हैं, ये हमने देखा. ओके, अभी a+3 लिखा. ओके, अभी मेरे को a के स्वरूप में नहीं आंसर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, x के स्वरूप में चाहिए. देखो, a मतलब क्या होता है हमारा, a मतलब x-5 होता है. तो मैं क्या करूँगा, a के जगह पे x-5 लिखूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा. तो इज इक्वल टू ये जो a है उसके जगह पे x-5 लिखूँगा, और ये निगेटिव 8 अपने जगह पे, एकदम आसान है. और दूसरे ब्रैकेट में ये a के जगह पे मैं x-5 लिखूँगा, और ये 3 अपने जगह पे, प्लस 3 अपने जगह पे. अभी x अपने जगह पे माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 8 + 5 13 हो गया, निगेटिव साइन अपने जगह पे. माइनस माइनस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर को निगेटिव का साइन.
अभी यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स अपने जगह पे, फाइव में से थ्री गए टू बच गए, बड़ा नंबर माइनस फाइव है उसके पहले माइनस, इसलिए आंसर को माइनस है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।